वहीं इस दौरान नीरज शेखर ने हिंदी खबर से खास बातचीत की है। नीरज शेखर ने कहा है कि चुनाव में जीत हार लगी रहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी में सम्मान न मिलने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा है। बीजेपी ने सम्मान दिया है, इसलिए बीजेपी में आया हूं। नीरज शेखर जी ने आज राज्यसभा सांसद के तौर पर आज उत्तर प्रदेश से नामांकन कर दिया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी लोग मौजूद थे और हमसे बात करने के लिए नीरज शेखर जी मौजूद हैं। सर, आज आपने नामांकन किया, जिस सीट पर थे उसी से बीजेपी ने आपको दोबारा से मौका दिया, सबसे पहले इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि मुझे इस लायक समझा कि फिर से मुझे इस सीट पर नॉमिनेट किया है। मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और सभी लोगों का जो आज उपस्थित है, माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी, खन्ना जी और सभी वरिष्ठ नेता हैं उपस्थित थे, स्वतंत्र देव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, तो मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो लोग आज, और इससे पता चलता है कि इस पार्टी में सबका कितना सम्मान है। एक बाय इलेक्शन के नॉमिनेशन में इतने लोग आए तो आपको लगता है, आप खुद बहुत अच्छा महसूस करते हैं और आपको लगता है कि पार्टी में आपका सम्मान है। क्या कारण रहा सर, किन चीज़ों को देखा आपने जिसकी वजह से सपा का साथ छोड़ा आपने उसके बाद बीजेपी में? कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो सपा में आपको एकदम से आपका मोह भंग हो गया? एकदम से नहीं हुआ, ये तो पिछले कुछ महीनों से चल रहा था। और मेन मुद्दा तो मैंने जैसा बताया कि प्रधानमंत्री में जो इस देश ने जो दिखाया है कि इन चुनावों के साथ कि यही एक व्यक्ति है जो देश के विकास अखंडता के लिए काम करेगा, तो मुझे लगता है कि हम लोग भी पहले जब विपक्ष में थे तो उनका विरोध करते थे, लेकिन इन चुनाव के बाद अगर देश की जनता ये कहती है कि आप ये मानिए कि यही व्यक्ति है जो काम कर सकता है देश के लिए, तो आपको उसको मान लेना चाहिए। आपको जबरदस्ती विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, जो वास्तविकता है उसको आपको मान लेना चाहिए। और मैंने इसीलिए सोचा कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर मैं देश की सेवा अच्छी तरह कर सकूंगा। और दूसरा कारण, जहां सम्मान नहीं मिले, जहां आपको ये लगे कि आपसे आपका नेतृत्व तो आपसे बात नहीं कर रहा है और आप उसके, तो आपको ये जहां सम्मान नहीं मिलता है तो आदमी खुद दुखी होने लगता है। और हम लोग तो बलिया से आते हैं जहां हम लोग के लिए सम्मान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर मुझे लगा कि, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह मुझे अपनाया, जिस तरह मेरा सम्मान किया, तो उसका तो मैं हमेशा उन लोग का रेडी रहूँगा। लगातार विपक्ष है, जो अन्य पार्टियां हैं वो लगातार ये कह रही हैं कि कुछ ना कुछ कहीं दबाव है, कोई दबाव बनाया जा रहा है, कुछ ना कुछ डर है उस चीज़ों को लेकर लोग पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। आपसे पूछना चाहता हूँ, नीरज शेखर जी को किस चीज़ का डर है? मैं चाहूँगा कि मेरा सब निकलवा लिया जाए। एक ही हो सकता है, फाइनेंशियल कोई इरेगुलरिटी हो, कोई मैंने गड़बड़ किया हो, वो हो सकता है, या कोई अपराध मैंने किया हो। मेरे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, मैंने आज अपना एफिडेविट दिया, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है जो मेरे ऊपर दबाव डाला जा सके। तो मैं क्यों आया पार्टी में? मैं कोई कारण होगा तभी ना आया पार्टी छोड़ा। के बयान देने का क्या मतलब है जो अखिलेश यादव, कोई और कारण नहीं उन लोगों को दिखाई दे रहा। अपने ऊपर दोष कोई नहीं देगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, ये कोई बोलेगा? आपके कांग्रेस से छोड़ रहे हैं लोग, सपा से छोड़ रहे हैं और लोकदल से लोग छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? और सब लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं और सब पे दबाव है। जो व्यक्ति, मैं तो अपना उदाहरण दे सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, लेकिन जब आगे से व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री आपको सम्मान दे रहा है तो आदमी सोचता भी है कि वहाँ सम्मान मिल नहीं रहा है, वहाँ मेरे को क्षमता मेरी जो है उसको उसके साथ उस हिसाब से मुझे नहीं सम्मान मिल रहा है, तो आदमी पार्टी छोड़ेगा ही। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पिछले 2-3 सालों से, पिछले 5-6 सालों से काम कर रही है और विशेषकर पिछले 2-3 महीनों में तो दिखा दिया है कि देश के बारे में वही एक पार्टी है जो सोच रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। ये थे नीरज शेखर जी, इनका साफ ये कहना था कि जिस तरीके से लगातार देश की राजनीति चल रही है वो साफ है कि बीजेपी सभी का सम्मान करती है और उसी के देखते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा और आज जिस तरीके से उन्होंने नामांकन किया और सभी लोग जो उसमें शामिल हुए सभी का उन्होंने धन्यवाद भी किया। कैमरामैन रोहित के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।